राज्य के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग में पदस्थापित अरुण कुमार, जी हां, ये वही शख्सियत हैं जो कई दिनों तक चर्चित रहे। इस विभाग के विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, प्रधान सचिव शैलेश कुमार हैं। कहा जाता है कि तकनीकी शिक्षा के स्वयंभू निदेशक, जो पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में भी निदेशक थे, को विभागीय सचिव कुछ नहीं कहते हैं। बगैर किसी सूचना के देश के किसी भी कोने में ये कॉन्फ्रेंस अथवा सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए चले जाते हैं। विभाग में पॉलिटेक्निक कॉलेजों, बीआईटी सिंधरी समेत तकनीकी विश्वविद्यालय में किसी तरह का टेंडर इनके द्वारा ही निर्गत कर संचालित किया जाता है। इनकी कारगुजारियों से 17 राजकीय पॉलिटेक्निक में से आधे से अधिक रोष में है, पर सरकारी अदूरदर्शिता की वजह से मुंह नहीं खोलते हैं। खासकर राजकीय पॉलिटेक्निक रांची, खरसावां, कोडरमा, दुमका, रामगढ़, चाईबासा, महिला पॉलिटेक्निक रांची, बोकारो समेत अन्य जगहों के प्राचार्य अरुण कुमार की वजह से परेशान हैं। इनकी वजह से ही 10,000 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया था। अरुण कुमार ने पीपीपी मोड पर चल रहे तीनों राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज समेत सभी पॉलिटेक्निक को सत्र 2016-17, 17-18 की संबद्धता प्रदान नहीं की थी। इसकी वजह से एडमिशन लेने वाले छात्रों का कैरियर ही दांव पर लगा था, यानी पॉलिटेक्निक संस्थानों के फर्स्ट, थर्ड ईयर और इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं दिए जाने का सारा बखेड़ा इन्होंने ही शुरू किया था। इसके लिए गठित जांच कमेटी के अध्यक्ष भी ये खुद बन गए। कहा जाता है कि भाजपा की एक शाखा आरएसएस से इनकी घनिष्ठता अधिक है, इसलिए ये इस पद पर बना रहना चाहते हैं। किसी की भी सरकार रहे, इनकी हमेशा पैठ बनी रहती है। महिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।